वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी खाना वाना खा के मंदिर से होके आया हूँ, तो अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो बिग बॉस देख रहा था, तो कल आपने देखा होगा एक एपिसोड की, मतलब कि जिया ने क्या किया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। और सही बोला कि इस बिग बॉस में ना सबसे बड़ी नागिन जिया ही है। तो उसने जो किया ना, और एल्विश भाई का देखो, अगर वो चाहते तो इससे बड़ा मुद्दा बना सकते थे। उसको पानी में वो डिटर्जेंट पिला कर पिलाया, बट उन्होंने इतना कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला हमारे यहाँ पानी पिलाना, और हम सब बोलते हैं, हमें यही बताया जाता है पानी पिलाना पुण्य का काम है, और जिया ने क्या किया। और मुझे नहीं लगता कि जो, और जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है ना वो भी काफ़ी बढ़िया है, उस पर भी सपोर्ट करो भाई। और जिया को कम से कम वोट करो, जिया को बाहर निकालो। और मैं चाहता हूँ कि आप एल्विश भाई को जितना हो सके उतना वोट करें, और मैं चाहता हूँ कि आप आयशा भाटिया को भी वोट करें, क्योंकि वो भी अभी कल से काफ़ी अच्छा खेल रही है। वैसे मुझे बहुत, जो आपने रात की वो नहीं देखी होगी क्लिप, तो मैं 24 आवर देखता हूँ, तो क्या मतलब कि फुकरा इंसान की बैठ के क्या मज़े ले रहे थे एल्विश भाई और मनीषा और आयशा, काफ़ी मज़ा आया। मतलब कि जब से एल्विश भाई आया ना बिग बॉस देखने में, और सिस्टम चल रहा है भाई घर में, सिस्टम। बिग बॉस ने भी बोल दिया कि एल्विश का सिस्टम चल रहा है, तो सिस्टम को सपोर्ट करो। इस बार बिग बॉस की ट्रॉफी सिस्टम को ही जानी चाहिए, एल्विश भाई को ही जानी चाहिए, और एल्विश भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, जितने हो सके करो, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर ना, सभी को वोट करो। और अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, सोच रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, तो दोस्तों को भी इकट्ठा करते हैं, तो क्रिकेट खेलेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, कुछ दोस्त देखते हैं उनसे पूछेंगे कि हाँ। और आपने देखा होगा 2-4 दिन से कि मेरे व्लॉग में कटप्पा नहीं आ रहा, तो कटप्पा के कुछ फैमिली इश्यूज़ है तो वो नहीं आया, तो आज कटप्पा को भी लाएंगे और दो दोस्त को और पूछेंगे। और मेरी बहन से भी यही बात हो रही थी, तो बहन से भी पूछेंगे, रिएक्शन लेंगे कि हाँ सही किया गलत किया, तो वो भी करेंगे। तो चलो आपसे मिलते हैं बाद में। तो ये देखो हमारी मैगी बन चुकी है, अभी खाते हैं। अब विदाउट ऑयल के बनाई है, तो बन गई है, थोड़ा थोड़ा सूप ही रहने देंगे। तो चलो हमारी मैगी बन चुकी है, क्योंकि टमाटर इसमें नहीं डाला है, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, वो भी खाते हैं, खा लेता हूँ। पार्टी चल रही, ये देखो हम तो देख आ गए हैं। हाँ, और इधर क्रिकेट का, ये हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट, और ये हमारे सन्नी, हमारा एक छोटा फैन। बताओ भाई, बिग बॉस देखते हो OTT? फेवरेट यू कौन है कंटेस्टेंट? फेवरेट कंटेस्टेंट फुकरा इंसान। अच्छा, और एल्विश यादव? और ये देखो ये फुटबॉल खेल रहा है आराम से, और यहाँ पे सारे आए हैं। ये हमारा क्रिकेटर, ये देखो जो जोहन सिंह, ये देखो फुटबॉल खेल रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं कि ये अपनी राय क्या देते हैं। तो कल जो जिया ने किया था वो सही किया था? हाँ, उसको क्या, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं इस बात पे? बेकार, एकदम बेकार। हाँ। और सिस्टम हमारा चलता रहेगा। गाइस अभी घर पहुँचा हूँ नहा के, दोस्तों के साथ गया था, और वहाँ पे शर्त लगी हुई थी साबुन ख़त्म करना, तो कर दिया। आज मुझे लगता है पूरे साल का नहा लिया। और दादी जी हमारे सोए हुए हैं, और अभी बहन से पूछेंगे कि बिग बॉस में क्या चल रहा है, और उसके सजेशन लेंगे। तो गाइस पूछते हैं, अभी पूछते हैं बहन से कि इसके क्या व्यूज़ हैं। तो बताइए कि जो बिग बॉस में जिया ने एल्विश भाई के साथ किया वो सही था या गलत? नहीं, वो बहुत गलत था। किसी को पानी में साबुन मिला के देना, नहीं, ये बहुत गलत था। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, मतलब कि अभी उसके नाम पे हैशटैग ट्रेंड भी हो रहा है शेम ऑन जिया, आप क्या बोलना चाहते हो? जो भी उसके नाम पे ट्रेंड चल रहा है शेम ऑन जी, वो बिल्कुल सही है। किसी के साथ ऐसे करना ये बहुत गलत है। और एल्विश ने सही कहा था कि हमारे यहाँ पे जो पानी भी लाना धर्म का काम होता है, किसी को पानी में साबुन भी ला के देना ही बहुत गलत है। वो जो ट्रेंड चल रहा है वो सही है बिल्कुल शेम ऑन जी। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये कैसी लड़की है, मतलब उसके दिमाग में, और हंस रही थी अपने दोस्तों के साथ, कुछ समझ नहीं आया मुझे उसका भी। और आपके क्या व्यूज़ हैं कि एल्विश यादव अभी एलिमिनेट हुए हैं, तो क्या वो सेम है? उनको काफ़ी वोटों की भरमार पड़ रही है। आपने किया वोट? यस। अभी बहन का व्यू भी ले लिया है, तो आप देख सकते हो कि जिया को कितनी हेट मिल रही है, और उसने काम ही ऐसा किया, क्योंकि हमारे यहाँ पानी।
पानी पिलाना एक बहुत ही पुण्य का काम है और ये एल्विश भाई ने भी बोला था। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसी